आपको बड़ी खबर बता देते हैं, सीबीएसई ने 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। जी आपको बता दें कि सीबीएसई ने जारी कर दिया है आज 12वीं का परिणाम। विज्ञान वाणिज्य और कला का परिणाम जारी कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। आज 12वीं कक्षा का करीब 13 लाख परीक्षार्थियों ने इसमें परीक्षा दी थी और आज परिणाम जारी कर दिया गया है। 12वीं के नतीजों में लड़कियों ने बाजी मारी है। आपको बता रहे बड़ी खबर, सीबीएसई ने 12वीं का परिणाम जारी कर दिया है। दो लड़कियों ने इसमें एक साथ टॉप भी किया है। 83.4% बच्चों ने पास की है ये परीक्षा। सीबीएसई का रिजल्ट आज जारी हो गया है। 12वीं का परिणाम आज जारी कर दिया है सीबीएसई ने। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों का परिणाम जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर, सीबीएसई का परिणाम 12वीं का जारी हो गया है। करीब 13 लाख परीक्षार्थियों ने इसमें परीक्षा दी थी। 12वीं के नतीजों में लड़कियों ने इस बार बाजी मारी है। आपको बता रहे बड़ी खबर, सीबीएसई ने 12वीं का परिणाम घोषित कर दिया है। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों का ही परिणाम घोषित कर दिया गया है। 83.4% बच्चों ने परीक्षा पास कर ली है। सीबीएसई ने जारी किया आज 12वीं का परिणाम। विज्ञान वाणिज्य और कला का परिणाम आज जारी कर दिया गया है। करीब 13 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट देखा जा सकता है। 12वीं के नतीजों में लड़कियों ने इस बार बाजी मारी है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज 12वीं का परिणाम सीबीएसई बोर्ड ने रिलीज कर दिया है। 83.4% बच्चों ने ये परीक्षा 12वीं की पास की है। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों का ही रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आज सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए लोकेश ओला फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी लोकेश, बताएं। जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि सीबीएसई ने आज विज्ञान वाणिज्य और कला संकाय तीनों यानी वर्गों का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। परीक्षा में कुल तकरीबन 13 लाख जो स्टूडेंटों ने परीक्षा दी थी और इन बार जो 12वीं के जो नतीजे हैं, इनमें अधिकतर जो लड़कियों ने ही जो टॉपर्स में बाजी मारी है। इसी के साथ एक और बताना चाहूंगा, जो इस परीक्षा परिणाम में है, जहां 13 लाख परीक्षार्थियों ने एग्जाम दिए, इसमें 83.4% जो फीसदी बच्चों ने परीक्षा पास की है। तकरीबन इनकी 18% जो बच्चे हैं इसमें जो फेल हुए, यानी कि 83.4% बच्चों ने परीक्षा पास की है। इसको लेकर यही भी देख एक और खास चौंकाने वाली बात है कि जो इस बार परीक्षा परिणाम है वो पिछले इनकी परीक्षा परिणामों की बात करें तो इनकी जो पिछले साल जो गत वर्ष जो परीक्षा परिणाम आए उनसे तकरीबन 20 दिन इस बार जल्दी परीक्षा परिणाम घोषित है, वो भी एक बच्चों को चौंकाने वाली बात है। जी जी लोकेश, ये बताएं टॉपर्स के लिए क्या कुछ खबर है, कितने लोगों ने टॉप किया है? जी देखिए, मैं बताना चाहूँगा इस बार टॉपर्स में भी इनकी जो जहाँ तक सूचनाएं आ रही है अभी तक इनकी लड़कियों ने टॉपर्स में बाजी मारी है। दो लड़कियों ने एक साथ इनकी एक स्थान पर इनकी टॉप किया है। और जो एक ये भी देखा जा रहा है कि जो जहाँ लगातार पिछले इनकी जो परीक्षा परिणाम है तो उन्हें भी लड़कियां इनकी की उच्च स्थान पर टॉपर रही थी और इस बार भी जो लड़कियों ने इनकी टॉपर्स में अपना स्थान पाया है। जी लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें, बड़ी खबर, सीबीएसई ने आज 12वीं का परिणाम घोषित कर दिया है। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों का परिणाम आज घोषित कर दिया गया है और इसमें परिणाम में लड़कियों ने बाजी मारी है। दो लड़कियों ने इसमें एक साथ टॉप किया है, ऐसी खबर आ रही है। सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट आज जारी कर दिया है। 83.4% बच्चों ने यह परीक्षा पास की है। सीबीएसई ने जारी किया 12वीं का परिणाम। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं।